अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हो? तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सीरीज बल्ब, ठीक है, जिससे हम किसी भी मशीन वगैरह को, इस्त्री वगैरह को घर में ही चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है। ठीक है, उसके लिए हमें एक तो चाहिए ये शू, ठीक है, और एक चाहिए होल्डर, पिन वाला मिल जाए तो बेहतर है, और उसके बाद एक चाहिए हमें बल्ब, वो भी 100 वाट वाला, ठीक है, वो दूसरा नहीं। और उसके बाद हमें चाहिए ये तार, तकरीबन 3 गज तार हो, ठीक है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं, अब चलते हैं सीरीज। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सीरीज बनाने शुरू करते हैं। और तार को ऐसे खोल के और तार की दोनों साइडों को हमने प्लास की मदद से छीन लेना है। ऐसे छीनने के बाद हम जो है ना, इस होल्डर में ये दोनों तारे लगाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको होल्डर में कैसे लगानी है। होल्डर को ऐसे खोल लेना है। खोलने के बाद इसके अंदर ये इधर दो सुराख हैं, ये देखिए, जिधर मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, और ये पीछे ये सुराख हैं, इनमें दोनों तारे आपने लगा देने हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। ऐसे खोलने के बाद ये दोनों तारें हमने इसमें लगा देनी है। एक लगा दी और एक अब ये लगा देते हैं। ये भी लग गई है। और अब इसी तरह जो है ना, हम तार की दूसरी साइड पर चलते हैं। बराबर कर लेनी है आपने तार, तो इधर से सेंटर से काट लेते हैं। इसे काटने के बाद इन दोनों तारों को छील के जो शू है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको शू, तो आपने ये दोनों तारों शू के में लगा देनी है। ये शू खोल लेते हैं। अभी ये शू हमारा ओपन हो गया। अब ये जो है, इसमें दो नट हैं, वो खोलेंगे। खोलने के बाद ये दोनों तारे उसमें शू में लगा देंगे। ये अच्छी तरह छील के आपने लगा देनी है। मैं इसे क्लोज भी कर लेता हूँ थोड़ा थोड़ा तार को, ना तार निकलती नहीं है। वैसे तार आप थोड़ी सी भी खींचेंगे वो निकल जाएगी, अगर आप उसको फोल्ड कर लेंगे तो वो तार निकलेगी नहीं। जैसे अब मैंने फोल्ड किया, अच्छी तरह करने के बाद अब मैं लगा देता हूँ शू में। लगाने के बाद आपने अच्छी तरह नट को कस देना है, और कसने के बाद आपने स्विच को बंद कर देना है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ लगेगी। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना है। अभी हम ये तार कसने के बाद इसको, स्विच को बंद करेंगे। ये हम बंद करने लगे हैं। आपने कोशिश करनी है तार अच्छी तरह निकालें, ताकि इधर तार स्विच के दरमियान में से ही गुजरे, साइड से गुजरेगी तो तार ख़राब हो जाएगी। तो इसी तरह शू को टाइट कर देना, बंद कर देना, और जो है ना, अब इसे बंद करके तो बाकी मज़ीद आपको मैं बताता हूँ, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अब ये इधर से हम इसको टाइट कर देते हैं। करने के बाद हम इसकी एक तार है ना, जो एक तार इन दोनों तारों में से, इसका सेंटर करके एक तार को हमने कट कर लेना है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने एक तार ले लेनी है आपके सामने, ये सेंटर की है। करने के बाद दूसरी तार नीचे कर दी है और इसको सेंटर से काट लेते हैं। ये देखें, ये हमारी तार कट हो गई। और इसको काटने के बाद दोनों को छील लेना आपने प्लास की मदद से। छीलने के बाद आपने इनका जो अपना कॉपर की वायर्स हैं, इनको अच्छी तरह मरोड़ी दे लेते हैं, ताकि ये ख़राब ना हो, ठीक है। दोनों तारों को अच्छी तरह मरोड़ी दे लेनी है आपने, जैसे मैं दे रहा हूँ। और ये अब हमारा जो सीरीज़ है ना, तकरीबन कंप्लीट है। अब हम इसमें जो है ना, बल्ब लगा लेते हैं। और जी, अब हमारी ये मुकम्मल हो गई है, अब हम इसे ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हम, वैसे मेरा सीरीज बोर्ड है, मैंने सीरीज की तरफ नहीं लगाना, इसे लगाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये हमने ओके कर दिया है, और ये देखें, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे इस्त्री। तो आपने कभी भी कोई भी चीज़ अगर चेक करनी है बना के, तो लकड़ी पे बैठ के बन ठीक करनी है, ठीक है। ये बात आपने खास कर याद रखनी है।
अभी हमारी ये स्ट्री हम चेक करते हैं सर। ये देखें ठीक है, अभी हमारी जो सीरीज है ये ओके है। ये देखें, ये हमारी स्त्री भी ओके है। ये देखें, ये चेक कर सकते हैं आप। ये ठीक है, ये सीरीज बनाने का आसान तरीका है। बाकी मैं आपको मुकम्मल बोर्ड भी बनाना सिखाऊंगा।